आप जानते हैं कि आप कितने लकी हैं। पैसा होना ना होना किस्मत की बात है, लेकिन अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। कभी आपने सोचा है कि उनकी जिंदगी कैसी होती होगी जो चाहकर भी डिसेबल्ड होने की वजह से वैसा कुछ नहीं कर सकते जो आप और मैं कर सकते हैं। ऐसे में मेटावर्स इन डिसेबल्ड लोगों के लिए किसी वरदान की तरह सामने आया है। मेटावर्स की दुनिया में अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद ये सभी अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करने से लेकर हायर एजुकेशन पाने, मेटावर्क करने से लेकर बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे में इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए उन 5 एरियाज पर नजर डालते हैं जहां मेटावर्स की वर्चुअल मोबिलिटी को अलग लेवल पर ले जाया जा सकता है। सबसे पहला, सोशल लाइफ। डिसेबल लोगों के लिए कन्वेंशनल सोशल मीडिया के बेनिफिट्स लंबे समय पहले से एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। ऐसे में अच्छी तरह से मेटावर्स में डिजाइन किया गया सोशल स्पेस इन बेनिफिट्स को सोशल वर्चुअल रियलिटी के जरिए आगे बढ़ाएगा, जो इन पर्सन इंटरैक्शन को मिमिक करता है और लोगों को फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद मुश्किलों के बिना आसान तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इम्पॉर्टेंटली, मेटा के होराइजन वर्ल्ड जैसे मेटावर्स प्लेटफॉर्म के यूजर्स वर्चुअल अवतार्स का इस्तेमाल करके खुद को रिप्रेजेंट करने में सक्षम होंगे। एक तरह से ये एक ऐसी जगह है जहां डिसेबल लोग खुद को उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने खुद को कभी इमेजिन किया होगा। मेटावर्स की दुनिया यूजर्स को फ्रीडम के साथ क्रिएटिविटी देता है कि वे कैसे खुद को देखना चाहते हैं। साथ ही ये उन प्रीकंसेप्शन को एलिमिनेट करता है जिसका सामना डिसेबल लोगों को किसी दूसरे शख्स से बात करते समय करना पड़ता है। एजुकेशन। मेटावर्स की दुनिया डिसेबल यूजर्स के लिए मौजूद एजुकेशनल डिलीवरी पाथवे की क्वालिटी की रेंज को पोटेंशियली इम्प्रूव करने की क्षमता रखता है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि फिजिकल अटेंडेंस की जरूरत के बिना हायर एजुकेशन को हासिल किया जा सकता है। मेटावर्स में मौजूद डिलीवरी का मोड उन सभी मुश्किलों को निकाल देता है जो बहुत से लोगों को उनके मन मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन पाने से रोकती है। इस तरह से घर से बिना दूर गए और साथ ही फिजिकल कैंपस के ट्रैवल किए बिना अपने सपनों को उड़ान दी जा सकती है। इन सब के अलावा रिमोट कोचिंग, पर्सनल डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल करने के लिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एग्जाम्पल के लिए, फिस्क यूनिवर्सिटी कैडावर लैब में एक प्रोफेसर ने कैडावर के अंदर एंट्री ली, जहां मेटावर्स की दुनिया में रहते हुए एक ह्यूमन हार्ट को निकाला और उसे स्टूडेंट के हाथ में दिया। इस तरह से वहां सिर्फ मेटावर्स के जरिए रहने के बावजूद स्टूडेंट द्वारा हार्ट का वेट महसूस किया जा सकता था, जैसे कि उसने अपने हाथों में लिया हो। इतना ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी में होने की वजह से स्टूडेंट ऑर्गन को 8 feet टॉल तक एनलार्ज कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि पूरी क्लास ने हार्ट के अंदर एंट्री की और वहां वेंट्रिकल वॉल्स तक को छुआ। इस दौरान स्टूडेंट्स ने ये पाया कि ये हार्ट उनके द्वारा पहले एग्जामिन किए गए पहले हार्ट की तुलना में ज्यादा कमजोर था, जिससे मृत व्यक्ति के जिंदा रहने के समय खराब हेल्थ कंडीशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में मदद करने वाले खिलाड़ियों में ग्लोबल हेल्थ केयर अकेडमी का नाम आता है, जिसने मेटावर्स में हेल्थ केयर ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन लाने के लिए कैलिफोर्निया बेस्ड टेक स्टार्टअप एट चिली के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। वर्क। पैंडेमिक ने दिखाया है कि हम कितनी जल्दी काम करने के नए तरीकों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। जी हाँ, काफी संख्या में लोग मेटावर्स में एक या दूसरे तरीके की मदद से काम करने की उम्मीद करते हैं। रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया था कि 31,102 सर्वे पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ 16% खुद को आने वाले भविष्य में मेटावर्क जैसे जॉब ड्यूटीज में नहीं देखते हैं। मेटावर्स उस तरह के काम तक एक्सेस प्रोवाइड करता है जो किसी भी डिसेबल शख्स के लिए रियल वर्ल्ड में करना बेहद मुश्किल है। वर्चुअल इंटीरियर बनाने के लिए डिजाइनरों की एक बढ़ती हुई कम्युनिटी तैयार हो रही है जो सिर्फ मेटावर्स के अंदर मौजूद होगी। ऐसे में इस दुनिया में मौजूद दिलचस्प मेटावर्स बेस्ड जॉब्स में डिजिटल फैशन,
रियल एस्टेट और खुद मेटावर्स को बिल्ड करना शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके जरूरी स्किल्स का निर्माण कर सकते हैं जो बिना किसी लागत के मेटावर्स रिलेटेड कोर्सेज और लर्निंग की पेशकश करते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग एंट्री लेवल मेटावर्स जॉब या इंटर्नशिप के लिए जरूरी है। आप meetup.com पर लोकल मेटावर्स इवेंट के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा आप MIT रियलिटी हैक द्वारा होस्ट किए गए हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेंट से मिल भी सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड लेजर। पैंडेमिक ने सभी चीजों तक पहुंच बनाने की राह दिखाई है और उन्हीं में से एक है डिजिटल दुनिया में म्यूजिक को एंजॉय करने का तरीका। जी हाँ, ये एक नया ट्रेंड है जिसे एक नए लेवल पर ले जाते हुए मेटावर्स की दुनिया में ट्रेविस स्कॉट से एरियाना ग्रांडे तक कई आर्टिस्ट अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मेटावर्स में गिग्स ही सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऑप्शन नहीं है बल्कि इसके अलावा इसमें वर्चुअल सिनेमाज, थिएटर परफॉर्मेंसेस और यहाँ तक कि म्यूजियम और गैलरी एग्जीबिशंस को भी पहले से ही खूब पसंद किया जा रहा है। टूरिज्म एक दूसरा एरिया है जहाँ मेटावर्स डिजिटल एनवायरमेंट्स के जरिए ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। इन सब के साथ घर बैठे टूरिस्ट वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से रिमोट फिजिकल लोकेशंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि डिसेबल लोगों के लिए बहुत ही एक्सेसिबल और अफोर्डेबल तरीका है। एग्जाम्पल के लिए MVFW मेटावर्स में अब तक का पहला फैशन वीक था जिसमें बुलोवा, टॉमी हिल्फिगर और डॉल्चे एंड गबाना ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। बता दूं कि इसे डिसेंट्रलैंड पर होस्ट किया गया था जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग लैंड के नाम से जाने जाने वाले वर्चुअल प्लॉट का इस्तेमाल करके हम्बल स्टोर से पूरी सिटी में एंटर कर सकते हैं। हेल्थ केयर एंड वेलबींग। मेडिकल की दुनिया में भी मेटावर्स ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है और इसी वजह से मेटावर्स की मेडिसिन की अलग अलग दुनिया में जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सटेंडेड रियलिटी सिमुलेशन को अलग तरह के मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग जैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स और मेंटल हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, VR और AR रेडियोलॉजी में मेडिकल इमेजिंग को भी एनहांस किया जा सकता है और डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट प्लानिंग और मेडिकल रिसर्च को सपोर्ट किया जा सकता है। मेडिसिन का एक दूसरा एरिया जहाँ मेटावर्स का पोटेंशियल है उसे टेली मेडिसिन कहा जाता है। VR का इस्तेमाल रिमोट कंसल्टेशन की सुविधा के लिए किया जा सकता है, खास करके जहां मेडिकल पर्सनल ज्योग्राफिकली मौजूद नहीं है, जैसे कई रूरल रीजन्स जहां अक्सर डॉक्टर्स और उनकी टीम्स के लिए समय पर पहुंचना नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल के लिए आई माइनिंग। डिसेंट्रलैंड मेटावर्स में शुरू किया जाने वाला पहला हॉस्पिटल फाउंडेशन, जबकि दूसरा नाम है अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के अपोलो हॉस्पिटल का, जिन्होंने A3 इंक के साथ हाथ मिलाते हुए मेटावर्स की दुनिया में एंगेजमेंट की शुरुआत की है। ये ध्यान देना जरूरी है कि मेटावर्स फिजिकल वर्ल्ड में लाइफ और एक्सपीरियंसेस को बदलने के लिए नहीं है बल्कि नया ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए है। हालांकि इसके पोटेंशियल को महसूस करने के लिए मेटावर्स को इस तरह से बिल्ड करना चाहिए जो अलग अलग डिसेबिलिटीज में एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो। ये ना सिर्फ फंक्शनल एस्पेक्ट पर लागू होता है बल्कि सोशल एस्पेक्ट पर भी लागू होता है। हालांकि प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशंस और एथिकल बिहेवियर के मामले में दूसरी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में आज मेटावर्स से जुड़ी इस चर्चा में इतना ही। इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक्स पर और भी जानकारी पाने के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टेंट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।